हेलो गाइस, तो आज से हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट का यहाँ पर रेगुलर एपिसोड आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड में स्पॉन हुए हैं और यहाँ पर से हम लोग अपना गेम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं जल्दी से लकड़ी तोड़ लेता हूँ। उसके बाद हम लोग को इसमें अभी घर भी बनाना है। पता नहीं कौन सा बायोम में आए हैं, पता नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम है। इसमें देखो सीड हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है हर बार। जल्दी से पहले लकड़ी तोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने बहुत सारी लकड़ी, ज़्यादा नहीं तोड़ा बट एक ही पेड़ हमने तोड़ा। इससे हमारा क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा। उसके अलावा हम लोग वुड प्लैंक्स बना पाएंगे। उसके बाद हम लोग पहले तो भाई क्राफ्टिंग टेबल हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को बहुत सारा सामान बनाना पड़ेगा। तो इधर हमारा प्लैंक्स बन चुका है, हमारा वुड प्लैंक्स। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल बन गया, हम लोग सारा वुड प्लैंक्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमारा चलो ये बहुत सारा वुड प्लैंक्स हो गया। इतने में तो मे बी स्टिक्स बहुत सारे बन जाएंगे। पहले क्राफ्टिंग टेबल रखो, अभी इसमें देखते हैं भाई। सबसे पहले तो पिकैक्स ज़रूरी है, पिकैक्स ले लेते हैं दो, और उसके बाद फिर आयरन सॉर्ड दो ले लेते हैं। चलो अभी तो हमारा हो गया एक, चलो होई भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वुड जल्दी कटेगा शॉवल से। चलो अब जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ो। उसके बाद हम लोग अभी अपना घर बनाने वाले हैं, बट देखो कितना सुनसान सा एरिया है, एकदम कुछ नहीं है दूर दूर तक। ऑफकोर्स एक सामने मेरे को विलेज दिख रहा है, बट थोड़ी देर बाद उसको लूटने जाएंगे। अभी पहले हम अपना घर का एक बेस कंप्लीट कर देते हैं, एक लाइन हम लोग बाउंड्री बना के जाएंगे यहाँ से। तो चलो जल्दी से पहले बाउंड्री बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो फाइनली हमारा बाउंड्री तो बन चुका है। हमने एक बाउंड्री का लाइन दे दिया, जिसमें हम लोग ने इसको थोड़ा सा गड्ढा कर दिया ताकि पता चल जाए अपना लाइन कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मड का बाउंड्री भी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो पहली बात तो मैंने वुड अभी तक तोड़ा नहीं, बाद में तोड़ लेंगे, पहले विलेज भी लूटना है जाके। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि हम लोग अपना घर दूर से भी दिख जाए। ओके, तो चलो जल्दी से पहले बाउंड्री बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर से मड अभी और चाहिए। यहाँ पर स्पीड बूस्ट करके हम लोग जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। तो फाइनली गाइस, बहुत देर के बाद हमारा एक साइड का हम लोग का अभी पूरा होने वाला है, बट यार शिट, मड ख़त्म हो चुका है, हमारा सारा मड ख़त्म हो गया। बिकॉज मैंने लगभग 2 स्टैक ही मड लिए थे। तो इधर विधर का अभी जो गिरा हुआ है वो सब कलेक्ट करते हैं। अंदर साइड भी गिरा हुआ था, वेट देखो सामने विलेज है, अभी अंदर जाके भी हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना मिला? ओके, तो हमारे पास 6 अभी हुआ है, और इसमें से अभी हम लोग ये एक लाइन का तो पूरा हो ही जाएगा उतने में। तो चलो जल्दी से हम लोग इसको, अब यार जंप भी नहीं हो पाता, डर्ट लगा के ऊपर चलते हैं। नाइस, चलो ये कंप्लीट कर देते हैं एक, और इधर का 3, 1, 2, 3। चलो अभी हम लोग जाने वाले हैं विलेज। सामने दिख रहा होगा कुछ घर भी हैं, बहुत सारे, बहुत पद्दा घर है यार। अच्छा, स्टोन का हम लोग भी बनाएंगे, बट बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी अपने पास मड की भी नहीं औकात है। तो चलो इस विलेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर यार बहुत सारा फूड आइटम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर शीप पिग भी है बहुत सारा, और यहाँ पर तो मे बी बीट रूट है क्या, पता नहीं। और ये देखो विलेज भाई, छोटा सा विलेज है बट विलेज में लूट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर विलेजर अंदर जा रहा है, और इधर बीट रूट है भाई, क्या इसमें कुछ नहीं, खाली है, मेरे को लगा बोन मिल मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसको पहले जल्दी से तोड़ना शुरू करते हैं स्पीड में एकदम। तो फाइनली गाइस, हमारा ये टूट चुका, मतलब जितना भी हमने बीटरूट था वो कलेक्ट कर लिया वहाँ से, और इसके साथ बहुत सारे सीड्स भी मिली है। देखते हैं पहले बीटरूट का कितना एचपी देता है, मतलब कितना हर्ट देता है। और पहले अभी सुबह कर लेते हैं जल्दी से। रिस्पॉन पॉइंट पर हम लोग बैठ चुके हैं, हमारा बेड भी लग चुका है, फ्री का बेड मिल गया वहाँ से।
तो यहाँ से कलेक्ट कर लेते, ये दो चार बचा हुआ था। ओके, और मेरे पास ये गया बीट रूट है सारा। अभी दोबारा भी हम लोग लगा ही देते हैं, क्योंकि फिर तो वैसे भी विलेजर पागल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर सीड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, यहाँ पर 38 सीड्स है, और उसके बाद फिर बीट रूट सीड्स भी है, कोकोन सीड्स भी है। ओके, कोको सीड, चलो बीट रूट का ही लगा देते हैं, कोको सीड बाहर में जाए नहीं लग रहा है। ओके चलो, फिर भी बीट रूट सीड जल्दी से हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद अभी विलेज का मैंने अभी तक एक भी चेस्ट नहीं लूटा है भाई, गजब यार। पानी में भी चलो, ओके नहीं लगेगा इधर अभी। चलो हम लोग विलेज जाके अभी हम लोग को लूटना पड़ेगा, तो यहाँ पर जल्दी से लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को विलेज लूटना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारा बाउंड्री भी आज के आज कंप्लीट करना है। तो फिर भाई फिर अगले दिन बेड तो मेरे को मिल गया, बट अगले दिन फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा बस 1-2 बच गया, चलो हो गया हमारा बीट रूट का सारा काम। उसके बाद अब हम लोग इधर क्या है, अच्छा केव है, छोटा सा केव तो लग रहा था ही नहीं। यहाँ से जंप करके ऊपर चलते हैं इसके, भाई डैमेज कहीं ना पड़ जाए। चलो ओके, तो हम लोग यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं, मैंने गलत जंप लगा दिया था, तो हम लोग नीचे गिर गए। ऊपर से भी मेरे को इसके ऊपर जाना है, ताकि मेरे को पूरा व्यू मिल जाए अच्छे से। इस बार बढ़िया से एकदम जंप करके इसके ऊपर जाते हैं। ओके चलो भाई, हो गया। ये है भाई हमारा विलेज। तो गाइस, इस वीडियो में हमने यहाँ पर बाउंड्री अपने घर का बना ली, इस विलेज में पहुँच चुके, विलेज लूटेंगे अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप सपोर्ट मी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलो बाय।